गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। और क्लास स्टार्ट करने से पहले और सबसे पहले मुझे बता दीजिए, यहाँ पर मुझे शुभम नज़र आ रहे हैं और राजीव नज़र आ रहे हैं, साथ में साहिल गांधी। क्या आप लोगों को एंशिएंट इंडिया की जो क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं? और अगर वो अपलोड हो चुकी हैं तो वो कहाँ तक अपलोड हो चुकी हैं ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हमें एंशियंट इंडिया पढ़ना है। और एंशियंट इंडिया में आपको 7 या 8 क्लासेस अपलोड कराई गई होंगी अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली वो सिलेबस हो चुका था आपके बैच में। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज मुझे बताएं कि वो कहां तक अपलोड हो चुका है। एंशंट इंडिया या प्राचीन भारत। एंशंट इंडिया को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में या पाषाण युग के बारे में, जिसमें हमने 3 स्टोन एजेस पढ़ी, पैलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमने 2 सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कशन किया। हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो दूसरी सभ्यता हुई उसको कहा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। और उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड जो 600 BC से शुरू हुआ, उसमें एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ जिसमें हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात की। और उसके बाद राइज ऑफ मगध, मगध से डायनेस्टीज की शुरुआत हुई और राजवंशों की शुरुआत हुई, जिसमें हम मगध की डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। क्लासेस आपको अपलोड करवाई गई हैं तो बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि जो क्लासेस हैं वो कहाँ तक अपलोड हुई हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
हो गया ना। लाइव है? हाँ जी, वेलकम बैक। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है और वीडियो आपको क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे यहां पर पिंग कीजिए। आ जाएगा शायद। जी, जीएस का जब आप खोलेंगे अपना मॉड्यूल, अपनी क्लासेस खोलेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि एक से लेकर सेशन वन से लेकर सिक्स तक और सेशन 17 हमने 7 वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसमें एंशियंट इंडिया का पार्ट है मौर्यन डायनेस्टी तक या मौर्य वंश तक। उनके वीडियोस आपको अपलोड किए जा चुके हैं, उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उनको विजिट कर लीजिएगा, उन्हें देख लीजिएगा। और आई होप ज्यादातर लोगों ने वो देख भी ली होंगी, क्योंकि वो 3 4 दिन पहले अपलोड की गई थी और इसी वजह से अपलोड की गई थी ताकि आप लोग उसे एक बारी देख सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश? जो पीरियड है लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु लगभग 298 BC में हुई और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका बेटा बना, जिसका नाम था बिंदुसार। टू नाइनटी एट बी सी से लेकर 272 BC तक बिंदुसार के बारे में ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो भी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिली है, और बौद्ध और जैन ग्रंथों में ही बिंदुसार के अन्य नाम दिए गए हैं। इसी को कहा जाता है सिंह सेन, और बिंदुसार को ही क्या कहा गया है? अमित्र घात। और जैन मान्यताओं के अनुसार ये माना गया है कि बिंदुसार हैड 16 वाइफ्स, इसकी 16 पत्नियां थी, जिसमें इसकी सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध पत्नी हुई धर्मा या सुभद्रांगी, और इसी धर्मा या सुभद्रांगी से जन्म हुआ भारत के इतिहास के सबसे महान शासक का, जिसका नाम था अशोका द ग्रेट या अशोक महान। और जैन श्रुतियों में ऐसा लिखित है कि बिंदुसार हैड 101 सन्स, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था सुसीम, और बिंदुसार सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया अशोक ने, क्योंकि अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए 3 साल तक चले गृह युद्ध में अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवाई, सिवाय एक भाई के जिसका नाम था तिस, और अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा और मौर्य वंश का अगला शासक बना। बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम वॉज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला। सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था एंड अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन, और अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। और आपसे पूछेंगे कि बताइए, तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने पहली बार किसे भेजा और फिर दूसरी बार किसे भेजा था? तो ध्यान रखेंगे, टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट बिंदुसार सेंट सुसीम एंड देन अशोका। इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और फिर
अशोक को भेजकर इस विद्रोह को नियंत्रित करवाया। बिंदुसार से पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिंदुसार के ही शासनकाल में दो विदेशी राजदूत, टू फॉरनर एम्बेसडर्स अराइव्ड इन स्कॉटिश के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए थे, वो कौन कौन थे और वो कहाँ कहाँ से आए थे? तो ध्यान रखेंगे, पहले का नाम था डायमेकस जो आया था सीरिया से, और दूसरे का नाम था डायोनिसस जो आया था इजिप्ट से या मिस्र से, जो इजिप्ट या मिस्र से आया था। अपने पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके लगभग 272 ईसा पूर्व में डेथ हुई बिंदुसार की, और जैसे ही बिंदुसार 272 ईसा पूर्व में मरा, इसके मरते ही इसके 101 बेटों के बीच में गृह युद्ध शुरू हुआ, सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई, और 3 साल तक चले इस गृह युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई और मगध का सिंहासन प्राप्त किया और मौर्य वंश का सबसे महान शासक बन गया अशोका द ग्रेट या अशोक महान। बिंदुसार की डेथ के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बना बिंदुसार। अगला शासक अशोक 269 BC से लेकर लगभग 232 BC तक मगध राजवंश का अगला शासक हुआ अशोक, जिसके नाम के बारे में हमें दो अभिलेखों से पता चलता है। एक है मास्की अभिलेख या मास्की इंस्क्रिप्शन, और दूसरा है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन या गुर्जरा अभिलेख। यही दोनों वो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सोर्सेज हैं जहां से हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिली है। और ध्यान रखेंगे, मास्की अभिलेख में ही इसका नाम लिखा हुआ मिलता है अशोक वर्धन, और इसे देवनाम पियदसी, और इसे देवनाम पियदसी कहा गया है किसमें, गुर्जरा अभिलेख में। और इन्हीं अभिलेखों से हमें जानकारी मिली कि इस महान शासक का नाम क्या था, अशोका या अशोक। अशोक ने दो विवाह किए थे। इसने सबसे पहले महादेवी के साथ विवाह किया, हु वॉज प्रिंसेस ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन की राजकुमारी थी, और इसी महादेवी से अशोक को एक पुत्र हुआ और एक पुत्री, इसके बेटे का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। और ध्यान रखेंगे, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को ही भेजा था। अशोक ने अपना दूसरा विवाह कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की ही राजकुमारी कारुवाकी के साथ किया, और इसी कारुवाकी से हुआ अशोक का उत्तराधिकारी जिसका नाम था कुणाल, और उसके बाद अशोक का ग्रैंडसन अगला राजा बना जिसका नाम था दशरथ। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, विच इज नोन एज कलिंग वॉर, जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो रिलेटेड होंगे टू कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध से। जैसे जब कलिंग युद्ध लड़ा गया तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, दैट वॉज तोशाली या तोसली। वट वॉज द रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध का कारण क्या था? अशोका अटैक्ड ऑन कलिंगा टू गेट एलिफेंट्स, अशोक ने हाथी प्राप्ति के लिए कलिंग युद्ध लड़ा था। और आपसे पूछेंगे, हु वॉज द रूलर ऑफ कलिंग दैट टाइम? द रूलर ऑफ कलिंग दैट टाइम वॉज नंदराज। और इस बात की जानकारी हमें एक इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कहलाता है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, एलिफेंट केव
इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख? और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन है, इसको एक राजा के द्वारा लिखवाया गया था जिसका नाम था खारवेल। और ध्यान रखेंगे, खारवेल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी। ये चेदी वंश का सबसे महान राजा था खारवेल। और ध्यान रखेंगे, चेदी वंश के ही राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है, जब अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था तो उस समय वहां का राजा नंदराज हुआ करता था। कलिंग युद्ध के तुरंत बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ही बिकेम अ बुद्धिस्ट। आपसे पूछेंगे, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसने दी? और अगर आपसे पूछें कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसने दी, तो वो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दी गई। लेकिन अगर आपसे पूछें कि हु टर्न्ड अशोका एज अ बुद्धिस्ट, तो इसका धर्म परिवर्तन करने वाला बौद्ध भिक्षु था मोगली पुत्तिस। अशोक ने जीवन भर हथियार ना उठाने की कसम खाई और ये चल पड़ा अहिंसा के मार्ग पर, और इसने प्रचार करवाया बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का। इन दी 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अशोका विजिटेड बोध गया। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष इसने बोध गया की यात्रा की। एंड इन द 20th ईयर ही विजिटेड लुम्बनी। और क्योंकि लुम्बनी बर्थ प्लेस था गौतम बुद्ध का, इसीलिए ही मेड लुम्बनी टैक्स फ्री, और इसने जाकर लुम्बनी को कर मुक्त कर दिया, जिसकी जानकारी हमें एक अभिलेख से मिली जिसको हम कहते हैं रोमन देई इंस्क्रिप्शन या रोमन देई अभिलेख। रोमन देई अभिलेख से ही जानकारी मिली है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बनी की यात्रा की थी कपिलवस्तु नेपाल में, जो बेसिकली बर्थ प्लेस माना जाता है गौतम बुद्ध का। और वहीं पर जाकर इसने लुम्बनी को कर मुक्त बना दिया था, कर मुक्त कर दिया था, जिसकी जानकारी हमें रोमनदेही अभिलेख से मिली है। अशोक ने ही अपने शासनकाल में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक स्थान की या शहर की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे, ही प्रोहिबिटेड एनिमल सेक्रीफाइसेस, इसी ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु बिल्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला भी ये प्रथम शासक था। इसी ने सबसे पहले भारत में बनवाए थे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स। पशु बलि को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया था, बैन किया था, और भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क्स बनवाए थे। अशोक ने ही अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दो महान स्तूपों का निर्माण करवाया। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप भी अशोक के द्वारा बनवाया गया, और दूसरा सारनाथ उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप का निर्माण भी करवाने वाला कौन हुआ? अशोका। और ध्यान रखेंगे, इन दी लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अशोका डोनेटेड बराबर केव्स टू आजीवकास। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी। आजीवक संप्रदाय धर्म, जिसकी स्थापना मखली गोशाल के द्वारा की गई थी, उसी ने आजीवकों को, अशोक ने ही बराबर की गुफाएं, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से था, वो उसने गिफ्ट में दी। किसको? आजीवकों को। अशोक के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल हुआ, और कुणाल के बाद उसका बेटा या अशोक का पौत्र अगला मौर्य वंश का शासक बना, जिसका नाम था दशरथ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, या मौर्य वंश का अंतिम राजा या अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ।
लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ। और ध्यान रखेंगे, इसी बृहद्रथ की हत्या इसी के एक सेनापति के द्वारा की गई जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसी ने भारत के इतिहास के सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की जिसे हम शुंग वंश कहते हैं या शुंगा डायनेस्टी। तो दोस्तों हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में या शुंगा डायनेस्टी के बारे में। लगभग 185 ईसा पूर्व से लेके 72 ईसा पूर्व तक भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश हुआ जो कहलाता है शुंग वंश या शुंगा डायनेस्टी। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुष्यमित्र शुंग। इसका संस्थापक हुआ पुष्यमित्र शुंग। ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में कुल लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वो सारे के सारे स्तूप नष्ट करवा दिए गए थे क्योंकि इसे बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। इसी के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। ही ऑर्गेनाइज्ड टू अश्वमेधा यजनास, जो इसी के राजपुरोहित के द्वारा किए गए जिसका नाम था पतंजलि। और हम सब जानते हैं पतंजलि ने ही योग की शुरुआत की और इसी ने रचना की थी संस्कृत व्याकरण की। इसीलिए पतंजलि को योग गुरु पतंजलि कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। और अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी का हमारे पास केवल एक सोर्स है जो कि एक उपन्यास है, एक नोवल है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। और ये जो मालविकाग्निमित्रम है इसकी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई थी, जो कब की बात है, गुप्त काल की या गुप्ता पीरियड की। और द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज देव भूति। देवभूति की ही हत्या करके इसी के एक मंत्री ने मगध में एक और वंश की स्थापना की जिसको हम कन्वा डायनेस्टी या कन्नव वंश बोलते हैं, जो लगभग 72 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक चला। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज वासुदेव। और इसकी स्थापना वासुदेव नाम के एक शासक ने की। छोटी सी डायनेस्टी थी, इसमें दो रूलर्स होते हैं वासुदेव और लास्ट रूलर जो कि एक डरपोक और अयोग्य शासक था जिसका नाम था सुशर्मा। और क्योंकि सुशर्मा एक बेहद डरपोक और अयोग्य शासक था इसीलिए सुशर्मा की अयोग्यता का फायदा उठाया महाराष्ट्र के कुछ रूलर्स ने, जिन्हें सातवाहन कहा जाता था या सातवाहन शासक कहा जाता था। और इन्होंने ही कन्नव वंश को डिस्ट्रॉय करके एक और राजवंश की स्थापना की मगध में, जिसको हम कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश।
जो कहलाता है आंध्र सातवाहन वंश, जो लगभग 28 BC से लेकर 3rd सेंचुरी तक का पीरियड है। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। और ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सिमुक। इस वंश की स्थापना सिमुक नाम के एक शासक ने की थी, बट द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सातकर्णी फर्स्ट। सेकेंड ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हाल, हु रोट अ फेमस बुक नेम्ड गाथा सप्त शती। बट द ग्रेटेस्ट रूलर बट द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गौतमी पुत्र सातकर्णी। लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, जिसने लगभग 106 से लेके 130 ईस्वी तक शासन किया। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ सातवाहन हु स्टार्टेड लेड कॉइन्स इन इंडिया। इसी ने भारत में सीसे के सिक्के चलाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में सीसे के सिक्के चलवाने वाले शासक कौन थे? 2000 सातवाहन रूलर्स या सातवाहन शासकों ने ही भारत के इतिहास में सबसे पहले सीसे के सिक्के चलवाए थे। ध्यान He started donating lands to the Brahmins, इसी ने ब्राह्मणों को जमीनें दान में देने की शुरुआत की। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग हिज मदर्स नेम बिफोर हिज नेम, और इसी ने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम इस्तेमाल करने की शुरुआत की। इसके बाद द लास्ट ग्रेट रूलर द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हिज सन नेम्ड वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इस वंश का अंतिम शासक इसी का बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट आंध्र सम्राट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम आंध्र सम्राट। ही अटैक्ड इन साउथ इंडिया, इसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया। एंड एक्वायर्ड द रीजन ऑफ आंध्र, और आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया। और आंध्र क्षेत्र पर अधिकार करने वाला ये पहला शासक था, इसीलिए इसको कहा जाता है पहला आंध्र सम्राट। और जब इसने आंध्र क्षेत्र पर भी अधिकार किया, तो बस उसी के बाद से इस डायनेस्टी को कहा जाने लगा आंध्र सातवाहन वंश और आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलमावी 3rd, पुलमावी तृतीय।
सेंचुरी तक जाते जाते सातवाहनों की शक्ति लगभग समाप्त हुई, लेकिन कुषाणों के ही दरबार में कुछ सामंत कुछ मंत्री हुआ करते थे, जिनका डोमिनेंस मगध में बढ़ा और मगध में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे हम गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य कहते हैं। लगभग 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक मगध में शासन रहा गुप्त साम्राज्य का या गुप्ता एम्पायर का, और उसी पीरियड को कहा जाता है गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हुआ, हु टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, हु वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हुज नेम वॉज घटोत्कच। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच माना जाता है, एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया गुप्त साम्राज्य में। और ध्यान रखेंगे, इसके पूर्वजों ने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, बट ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और क्योंकि ये 319 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही एक संवत चलाया गया 319 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है गुप्ता संवत या गुप्त संवत। ही गॉट मैरिड टू अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। इसने एक लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। और ध्यान रखेंगे, गुप्त साम्राज्य में गुप्त काल में रजत सिक्के या चांदी के सिक्के चलवाने वाला सबसे पहला शासक ही कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी इसी का बेटा हुआ, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? समुद्रगुप्त के नाम से। जो इस वंश का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता है, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमांक एंड कविराज। और समुद्रगुप्त को ही दोस्तों हम सब जानते हैं क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के ही द्वारा इस महान शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि इसकी तुलना की गई है फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से। फ्रांस का एक महान राजा हुआ जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसी से तुलना की गई है समुद्रगुप्त की। और क्यों की गई है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने ही दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, और 21 21 रूलर्स को हरा कर ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमांक। इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की, और इसके बाद ही ऑर्गेनाइज एन अश्वमेधा यज्ञ। इसके बाद इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन जब कोई भी शासक इसका घोड़ा पकड़कर इसे लड़ने के लिए नहीं आया, तो इसी ने अपने दरबारी कवि हरिशेण से कहा कि जाइए, जाकर मेरी विजयों का वर्णन करके आइए, किसमें? प्रयाग स्तंभ में या इलाहाबाद पिलर में, जो बेसिकली किसका था? अशोक का। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए प्रयाग प्रशस्ति को या प्रयाग की प्रशंसा को किसके द्वारा लिखा गया? ही वॉज हरिशेण। समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ पॉइट, यह एक कवि भी था, एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ कविराज, और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी।
ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर, यह एक वीणा वादक भी था, और इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त के ही सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। ही इश्यूड वीणा प्लेयर टाइप कॉइन्स, क्योंकि समुद्रगुप्त के ही सिक्कों से हमें ये जानकारी मिली है कि ये एक वीणा वादक हुआ करता था। ही वॉज अ वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला राजा इसका बड़ा बेटा बना था, जिसका नाम था रामगुप्त। जिसने 375 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया गुप्त साम्राज्य में। इसके बारे में जानकारी के हमारे पास केवल दो सोर्सेज होते हैं। पहला एरन इंस्क्रिप्शन या एरन अभिलेख, जिसके बारे में हमने जब हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे थे तब भी बात की थी। एरन अभिलेख से ही ये हमें जानकारी मिली है कि रामगुप्त के ही सेनापति गोपराज की पत्नी भारत की सबसे पहली सती थी। कहने का मतलब, सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख भारत में हमें एरन अभिलेख से मिला है, और वहीं से हमें जानकारी मिल रही है रामगुप्त के बारे में। इसके अलावा एक उपन्यास, एक नोवल है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, जिसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इस उपन्यास से भी हमें जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में, और ये जानकारी मिलती है कि रामगुप्त एक बेहद अयोग्य शासक था, और इसी की हत्या करके इसी के छोटे भाई ने गुप्त वंश का सिंहासन प्राप्त किया था, और रामगुप्त की ही पत्नी से विवाह किया था, जिसका नाम था ध्रुव देवी। और इस वंश का सबसे महान राजा कहलाया चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसने लगभग 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक शासन किया गुप्त साम्राज्य में, या गुप्ता पीरियड में। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का सबसे महान राजा था। एंड ही वॉज फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, और ये इतिहास का पहला शासक था जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, और ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में इन 399 AD 399 ईस्वी में अ फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाहियान अराइव्ड इन इंडिया। इसी के शासनकाल में फाहियान नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था, हु स्टेड हियर फॉर 15 ईयर्स, जो 15 वर्ष तक भारत में रहा, और इसने जमकर बखान किया किसके बारे में, इंडिया के बारे में। तो जो फाहियान नाम का चीनी यात्री था वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में भारत आया था। और अगली चीज ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड डिस्ट्रॉयड साका डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया। इसी ने भारत से शक वंश का अंत किया था, और शक वंश का ही अंतिम राजा था रुद्रसेन तृतीय या रुद्रसेन थर्ड, और उसी की हत्या करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी सबसे पहला रूलर कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। आपको याद होगा जब हमने अकबर और हेमू के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि भारत में अंतिम बार विक्रमादित्य की उपाधि हेमू के द्वारा ली गई थी, और हेमू ने ही दिल्ली पर अधिकार किया था, जब हेमू और अकबर के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ, जिसका नाम था कुमार गुप्त। चार सौ तेरह ईस्वी से लेके 454 ईस्वी तक
गुप्त साम्राज्य में शासन किया कुमार गुप्त ने। ही टुक द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। और ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन, सबसे ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त ही किसके हुए, कुमार गुप्त के हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कुमार गुप्त ने जो काम किया 413 ईस्वी में, इसी ने वर्तमान भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कहलाता है नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बुद्ध कहते हैं। लेकिन 1204-5 ईस्वी में इसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवा दिया गया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगवा दी गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज स्कंदगुप्त। इस वंश का अंतिम महान राजा स्कंदगुप्त हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील की दूसरी बार रेनोवेशन करवाई या दूसरी मरम्मत करवाई। और इसके लिए इसने गुजरात के ही गवर्नर पर्णदत्त के बेटे चक्रपालित को नियुक्त किया। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें ये जानकारी मिली कि वो सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, उसकी दो बार मरम्मत करवाई गई, एक बार रुद्रदामन के द्वारा और दूसरी बार स्कंदगुप्त के द्वारा। और ये जो स्कंदगुप्त था, ये अंतिम महान राजा माना जाता है गुप्त वंश का। इसी के शासनकाल में कुछ विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्हें हूण शासक या मलेच्छ कहा जाता था। और हूणों का ही सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों के ही राजा तोरमाण को पराजित किया और इस आक्रमण को विफल किया। और इसके बाद हूणों के लगातार गुप्त वंश पर आक्रमण होने लगे, जिसकी वजह से बहुत तेजी से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। और जिसकी वजह से 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी आते आते गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हुआ। एंड द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज कुमार गुप्त थर्ड। और इसी को क्या कहा जाता है, विष्णु गुप्त कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुप्त साम्राज्य के बाद हमारा जो देश था वो डिवाइड हुआ छोटे छोटे राजवंशों में, और एक भी ऐसा रूलर नहीं आया जिसने भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके रखा हो। इसीलिए जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो पुष्यभूति डायनेस्टी आई, जिसमें भारत का अंतिम महान राजा कौन हुआ, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नाम के शासक ने लास्ट टाइम भारत में शासन किया। क्वेश्चन यही पूछेंगे कि भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था, ही वॉज हर्षवर्धन। और जैसे ही 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन मरा, तो हम सब जानते हैं 6th सेंचुरी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया और 7th सेंचुरी में स्थापना कर दी इस्लाम धर्म की। और उसके बाद 8th सेंचुरी में अरब से दुनिया के अलग अलग देशों में मुस्लिम इन्वेडर्स को भेजा गया पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। और हिंदुस्तान में एंट्री हुई मोहम्मद बिन कासिम की। तो दोस्तों यहां पर हम कंक्लूड करते हैं आपके एसएससी स्पेशल बैच में, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे वो कंटेंट्स और चीजें हैं जो एसएससी में रेगुलरली पूछी जाती हैं। बाकी जो ओवरहेड चीजें हैं या जो मिसलिनियस चीजें हैं, जहां से एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि इस बार भी हमने देखा ज्यादातर एसएससी ने मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस पूछे, और वो भी बहुत जेनरिक से क्वेश्चंस। इसीलिए ध्यान रखेंगे, जो बाकी की मिसलिनियस छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, वो आपको आपके नोट्स में मिलेंगी, जिसमें आपको लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहीं पर हिस्ट्री की क्लासेस को कंक्लूड करते हैं। और जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, टोटल 8 वीडियोस, टोटल 8 सेशंस हैं जो एंशियंट इंडिया के हैं, वो सारे के सारे आप विजिट कर लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दीज सेशंस। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।